अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल कुछ टाइम मिल गया था तो टाइम निकाल कर ग्रोसरी कर ली थी हमने, जो ऐसे रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि ऑनियन और टमाटर, वेजिटेबल्स थी, सारी खत्म थी। खैर वो तो हो गया था, लेकिन जो मसाले वगैरह ना वो भी निकालने वाले थे बॉक्सेस में से। खैर आज माशाल्लाह माशाल्लाह से ना क्या अभी ने एक बड़ा काम किया, कमाल कर दिया। तो मैं उठी तो मैं सरप्राइज हुई हूँ। मैंने कहा, मैंने कल जब कुछ चीज़ बनानी थी तो मुझे बड़ी मुश्किल और थी मसाले ढूंढना और चीज़ें कहाँ पड़ी हुई। कटिंग बोर्ड के बगैर मुझे वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है कटिंग करना। खैर आज अभी ने क्या किया कि काफ़ी बॉक्सेस खोले हैं और कटिंग बोर्ड, इस तरह के नाइफ, एवरीथिंग जो है ना, जो जो चीज़ें उनको चाहिए सब ढूंढ ढूंढ के निकाली हैं। और ये देखिए ऑमलेट का मसाला काटा है, और इवन के जो है ना धनिया भी मैंने कल बस फ्रेश लाई थी और बनाया नहीं था। वैसे बस ये फ्रिज में रख दिया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो आराम से टाइम मिलेगा तो फिर काट के तो धो कर तो फ्रीज करूँगी। तो ये देखिए उन्होंने सारा कुछ काटा है, ये देखिए, और मज़ेदार। वैसे अब मिक्सचर रेडी कर दिया है उन्होंने। मुझे पूछ रहे थे कि सब ने अगर ऑमलेट खाना है तो फिर हम उतने एग इसमें डाल लेते हैं। और नान का पैकेट भी कल ले आए थे, तो इसके साथ ये कि ज़रा अब ब्रेड का तो थोड़ा जल्दी से भूख लग जाती है ब्रेड खा के, तो इससे नान ये वाले बड़े मुझे अच्छे लगे हैं। तो ये हम लोगों ने कॉस्को से बाय किए थे और फ्रेशको वगैरह पे भी ये आराम से मिल रहे हैं। लेकिन ज़रा ये है कि ये जो फ्रेशको वाला ना वो 5 नान का पैकेट है, 5 नान है उसके अंदर, लेकिन ये जो कॉस्को पे लगा हुआ है ना इसमें 12 नान है। तो ये ज़्यादा सही रहता है फैमिली के लिए ना। तो ये देख लें, चीनी वगैरह भी अभी मैंने कंटेनर वगैरह में नहीं डाली है, ये ऐसे बस निकाल ली है, इसमें इसी तरह यूज़ कर लेंगे। पत्ती का बैग भी मैंने अभी निकाला है, और बस जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वो निकाली हैं जो नाश्ते में हम कर सकते हैं। कोई खाना शाना तो अभी मैं फ़िलहाल बना नहीं रही हूँ, आज ट्राई करूँगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना निकाल ली हैं हम लोगों ने, बल्कि मैंने क्या है अभी ने काफ़ी चीज़ें निकाल दी जो कि यूज़ हो जाएंगी। तो वो क्या है कि स्टोव ज़रा अभी गैस का नहीं लगा हुआ तो बहुत मुश्किल होती है उस दूसरे चूल्हे पे पकाने में, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए। गैस के स्टोव पे मैं जल्दी जल्दी बना लेती थी, तो इस चूल्हे पे ज़्यादा थोड़ा देर लगती है, तो इसलिए मूड भी नहीं बना पा रही है। आज टाइम मिलेगा तो ज़रूर फिर मैं आज सोचूंगी कुकिंग कर लूँ, क्योंकि एवरी डे भी ना आप जो ना खा खा के थक जाते हो बाज़ार का खाना। सुबह उठते साथ ही मैंने ना, आज मेरी बहुत ही प्यारी एक फ्रेंड है और फिर मेरी मम्मा ने भी मुझे कल कहा था कि आपने अपने घर में क्या करना है कि सूरह बकरा की जो है ना तिलावत लगाया करनी है, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने था मेरे जहन में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको निकल जाती हैं ना, काम का स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका माइंड डिफरेंट कामों में लगा होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपको चीज़ें दिमाग से निकल जाती। तो मुझे था ख्याल जब मैं घर में मूव हो रही थी तो मैं सोचा था घर जाऊंगी तो मैं अभी मतलब के जिस तरह के कोई कुरान हानि नहीं करवा सकते हैं तो चलो मैं ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तलावत वगैरह लगाया करूंगी। तो खैर कल फिर मुझे रिमाइंडर मामा ने भी करवाया, मेरी और मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे कहा। तो फिर खैर मैंने आज सुबह सूरह बकरा की तलावत माशाल्लाह से लगा ली थी घर में, और इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं खुद भी तलावत करूँगी, खुद भी पढ़ूँगी। तो ज़्यादा इससे क्या होता है कि आपका ज़हनी तौर पे आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपके घर में अल्लाह ताला का पाक कलाम जो है ना उसकी तिलावत लगी हुई है। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे ही पढ़ते हैं, बस ये है कि अब ये वाला घर है, नया घर है, तो अब अगर थोड़ा सा बंदे को होता है कि कुछ दिन गुजरते हैं फिर अंदाज़ा होता है कि किस तरह का मतलब कि यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह एक समझ लो थोड़ा वो जो डर होता है ना वो एक निकल जाता है। बस फिर ये कि जब आप पाक कलाम को ये लगा लेते हो तो फिर आपको ना कोई इस तरह का डर नहीं रहता। तो बस मैंने आज ये कि तिलावत बकरा की लगाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा एक सुकून मिला घर में। तो अभी बस ख़त्म हुई है और फिर मैंने नाश्ता जो है ना ये बनाया है और मज़ेदार सा ऑमलेट आपके सामने रेडी किया है। बहुत ही मज़ा आया आज ना नाश्ते का, क्योंकि टिम हॉर्टन के नाश्ते कर करके ना तो मैं भी कुछ दिन से तंग आ गई थी। जिस दिन से हम लोगों ने चूल्हा बंद किया ना उस दिन से नाश्ता बाहर से ही आ रहा था। तो बस ये मैंने सोचा कि कुछ अब हम लोग ना एक एक कमरा करके ना सही करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सामान था ना वो यहाँ पर ना लिविंग रूम में था, और लिविंग रूम से हमने अब ये किया कि काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो उठा और के ना
डिफरेंट कमरों में जहाँ जहाँ उनकी चीज़ें थी ना वहाँ शिफ्ट की हैं। अभी थोड़े से बॉक्सेस यहाँ पड़े हुए हैं, वो ये लिविंग रूम के ही सामान है उसके अंदर। तो बाकी ये कि हमने अच्छे से ब्रश वगैरह करके मॉप लगा दी इस कमरे में, और थोड़ा ये कमरा सेट करें ताकि फीलिंग आए कि आप जो है ना जो आपका माशाल्लाह से घर कोई घर घर लगे। तो बाद ये वाला कमरा अच्छे से क्लीन करें सारे माशाल्लाह। हमने क्या सोचा कि एक एक कमरा करके करेंगे ना तो फिर आसानी से हो जाएगा। अब ये है कि हर कोई अलग अलग कमरों में जब जा के करे तो फिर वो काम जो है ना डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये कि फिर एक कमरा जो है ना अच्छे से हो नहीं पाएगा क्लियर। पहले एक कमरा क्लियर कर लें तो फिर उसके बाद सब मिलके दूसरे बाकी कमरों को देखेंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है ना वो है लिविंग रूम का। तो बस यहाँ के सारे अच्छे से डस्टिंग हम लोगों ने किया है और फ्लोर वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। अब इस कमरे के अंदर क्या लाइटिंग करवानी है हम लोगों ने, और लाइट इस कमरे में कोई लाइट नहीं। आप हैरान होंगे, कोई लाइट नहीं है इस कमरे के अंदर। जो पहले रहने वाले थे उन्होंने इस कमरे में कोई लाइट नहीं रखी हुई थी, लैंप लगाए हुए थे। तो बस हम लोगों को आ होता है लाइटिंग के बगैर हम लोगों का गुजार नहीं, हम लोग अंधेरों में नहीं रह सकते। ये तो मॉर्निंग है, बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है, तो इतनी अच्छी रोशनी आ रही है। इस कमरे में ना जो है ना तीन विंडो हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो इसीलिए बहुत प्यारी मॉर्निंग में ना रोशनी आ रही है। कल शाम को थोड़ा सा टाइम मिला था, काफ़ी लेट जो है ना हम लोग निकले थे, कुछ चाह रहे थे कि कॉस्को वगैरह चले जाएं और कुछ चीज़ें ले आएं। दरअसल खास तौर पे सीरियल वगैरह का था, वहाँ से हम लोग कॉस्को से ही सीरियल ले के आते हैं। तो कल बिल्कुल ना एंड पे हम लोग पहुँचे थे और कॉस्को था बंद होने वाला था, तो सीरियल भी जो हम लोग लेते हैं वो नहीं मिले थे। तो बस आज हम लोगों ने कुछ और भी काम थे हमें करने वाले, बस कॉस्को से कल हमें शायद नान ही मिले थे और इसके अलावा कुछ खास नहीं मिला था। सौंप लिए थे हम लोगों ने और नान लिए थे। तो फिर आज हमने सोचा कि आज थोड़ी सी बच्चों को भी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी चीज़ें, और तहीरा को भी खास तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस उसके इस चक्कर में हम लोग आए हैं बाहर, और इसके अलावा हम लोगों को जिसका भी टाइम मिले तो जो भी कोई चीज़ें सामान चाहिए वो साथ साथ देखते जाते हैं। अब लाइट्स की मैं बात कर रही थी, लाइट्स लगवाने की, तो उसके लिए लाइट्स का था कि हम लोगों ने सोचा था कॉस्को जा रहे हैं तो कॉस्को पे भी लाइट्स काफ़ी अच्छी लगी होती हैं तो वहाँ भी चेक कर लेंगे। तो बस इस यहाँ कॉस्को से हमने चीज़ें डन की हैं, सीरियल लिया था, नान लिए थे हम लोगों ने, और ये अच्छे नान है तो हम लोगों ने और पैकेट उठा लिए थे, और इसके अलावा ऑयल जो था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला वो लिया, क्रोसेंट लिया, बस इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें ली हैं जो कि मतलब कि बच्चों के काम की भी हैं। कॉस्को से फारग होने के बाद हम लोग डॉलर स्टोर गए थे। डॉलर स्टोर पे बच्चों को कुछ चीज़ें अपने काम की चाहिए थी, तो वहाँ पहले आ गए हम लोग। कुछ क्राफ्ट की चीज़ें चाहिए थी इनको अपने रूम डिकोर के लिए, वो बच्चे देख रहे थे, और इसके अलावा बच्चों को अपने स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग बच्चों के डॉलर स्टोर से बच्चे चेक करने आए, खास तौर पर क्राफ्ट की चीज़ें। और तहिरा ने कोई कटिंग बोर्ड जो होता है वुड का जो कटिंग बोर्ड होता है इससे कोई क्राफ्ट देखा था, तो वो चाह रही थी कि मैं यहाँ से ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। जो उनके जहन में आइडियाज़ थे तो उसके मुताबिक कटिंग बोर्ड जो है ना डॉलर स्टोर पे काफ़ी छोटे साइज़ का था, तो मैंने कहा था कि आप किसी और शॉप पे देखना, वहाँ पे आपको जहाँ अच्छे साइज़ का कटिंग बोर्ड मिल जाए वहाँ से फिर आप लोग ले लेना और फिर क्राफ्ट बना लेना। लेकिन बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें जो थी वो इन्होंने यहाँ से ख़रीद ली थी। तो इसके अलावा जब आप पता है डॉलर स्टोर आ जाओ तो आप फिर अच्छा सा पूरा एक राउंड लगाते हो कि कोई आपको अपने मतलब की भी चीज़ मिल जाए। तो मुझे भी यहाँ से मैंने देखना था कि अगर पैंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुछ चीज़ें देख रही थी कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। खैर बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे और मैं अपनी चीज़ें देखने आ गई थी यहाँ पर, लेकिन पैंट्री के लिए जैसा कि मेरे पुराने घर में पैंट्री थी, काफ़ी बड़ी पैंट्री थी और प्रॉपर वो एक रूम था, तो उसके अंदर जो है ना आप मतलब जिस तरह मर्जी चीज़ें रख सकते हो, लेकिन इस वाले घर में मुझे अभी प्रॉपर पैंट्री के लिए कोई जगह अरेंज करनी पड़ेगी। जगह है काफ़ी लेकिन अभी शेल्फ वगैरह नहीं बनी हुई कुछ इस तरह की, वो मैं बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे स्टोरेज बॉक्सेस कुछ ऐसे चाहिए थे जिनके अंदर फ़िलहाल मैं अपना कुछ चीज़ों को पैंट्री की जो चीज़ें उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ, लेकिन साइज़ जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला।
क्योंकि यहाँ पे या तो बहुत बड़ा साइज़ थे या बहुत छोटे थे और कोई इतनी खास क्वालिटी नहीं थी। फिर आप जब कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो अच्छी क्वालिटी की करो ताकि फिर लॉन्ग टर्म भी चले, क्योंकि पेंट्री की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने फिर लंबे टाइम के लिए यूज़ करनी होती हैं। तो फिर यहाँ से डॉलर स्टोर से चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बच्चों की क्राफ्ट की चीज़ें या स्कूल की कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ से मिल जाती हैं। है हेलोवीन भी आ रहा है, बस बच्चे वो भी चीज़ें साथ देख रहे हैं, लेकिन कुछ ख़रीदा नहीं था हम लोगों ने यहाँ से, डेफिनेटली ख़रीदना नहीं था, लेकिन बस बच्चे ज़्यादा कलर देख के खुश हो रहे थे कि क्या क्या मतलब की चीज़ें, क्या क्या वैरायटी आई हुई है। खैर बस हम लोग यहाँ से फारग हुए थे आज, थोड़ा सा ये था कि अभी बस हमने लिविंग रूम ही ठीक किया था, तो आज हम लोगों ने इंटरनेट वाले को भी बुलाया हुआ है, कनेक्शन लगाने वाले को, और देखें कि वो अब किस टाइम पे आता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम ये लोग बता देते हैं कि हम इतने बजे तक आएंगे। तो बस हम लोगों ने भी उनसे उसके आने से पहले पहले जो है ना अपना काम बाहर के ख़त्म किए थे। तो ये कुछ बेड सेट्स हैं, मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ पिक्चर्स। अब आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इसमें से मैं जो है ना गेस्ट रूम के लिए एक बेड सेट लेना चाह रही हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा मैं खरीदूँ। अच्छा, पर्सनली मुझे ना रेड वाला पसंद आया। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं। मैं पकड़ के रखती हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा है ये तो। मैं तीन, वैसे मैं दो ले लगा, मैं तीन लेके हैं। चलो चलो में काफी और लाना। इंटरनेट वाले का कॉल आ गया था, तो फिर जो लाइट्स लेने का प्रोग्राम था वो हमारा हमने कैंसिल कर दिया था, तो एनी टाइम वो आ जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज थी लेने वाली वो ये था सॉल्ट, और ये है जनाब जी वाटर सॉफ्टनर, के अंदर एक सॉल्ट डलता है। यहाँ जो किचनर एरिया है यहाँ पर वाटर सॉफ्टनर से पानी पिया जाता है। मैं पता चल जाए ना कितने पैसे, ये भी एक्स्ट्रा खर्च है। अच्छा भला पता नहीं कितने टाइम चलता होगा, जितना बड़ा हो चलेगा कितने भी नहीं जाता है। अच्छा दो, एक ऐप है जो पानी हम डेली रूटीन में पीते हैं, यूज करते हैं नहाने के लिए, किसी चीज के लिए भी, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी चीज के लिए भी यूज जो पानी करते हैं, वो पानी वाटर सॉफ्टनर से लाइट होकर आता है, सॉफ्ट होकर आता है। क्योंकि यहाँ का जो पानी है, किचनर हो गया, वाटरलू हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, यहाँ का पानी जो है ना ये बहुत हैवी है और ये पीने के लिए नहीं है, मतलब कि इसके काफ़ी हैवी होता है और ये यहाँ पर रिकमेंड नहीं करते कि इस तरह का पानी पिया जाए। सो इसको लाइट और सॉफ्ट करने के लिए पहले ये वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है हर घर में, और इसके अंदर ये सॉल्ट डलता है, उसके बाद ये पानी को एवरीडे जो होता है ना ये मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी भी किसी दिन, ये जो पूरा एक सिस्टम है ये रिचार्ज होता है और इसमें पानी जो होता है ना आता है जब, तो ये लाइट होकर फिर हमारे जो नलकों में आता है। तो इसके अंदर नमक डालना बहुत ज़रूरी था, जब हम लोग जिस दिन आए हैं तो उस दिन हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमें पता था कि वाटर सॉफ्टनर है, इसको इस तरह यूज़ करेंगे तो पानी हमने यहाँ से
जो होगा ना लाइट होगा तो फिर हम लोगों ने पीना है, लेकिन वैसे हमें पता नहीं था कि इसमें सॉल्ट डलेगा और कितना लेवल होना चाहिए। लेकिन अब हमने देखा है आज इसको रात में, चीज़ें देख रहे थे हम लोग के घर में क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, तो ये वाटर सॉफ्टनर को भी हमने फिर चेक किया, तो यहाँ पर जो था ना पानी के अंदर नमक का जो था ना वाटर सॉफ्टनर के अंदर नमक का एक लेवल होता है उतना होना चाहिए, देन पानी जो है ना वो लाइट हो के आता। तो बस आज हमने इसको लिया है और तकरीबन 4 बैग हमने इसमें डाले हैं, काफ़ी बड़े बड़े बैग थे, अभी इसके अंदर 2 और डालेंगे तो फिर आराम से अब हम चेक करेंगे ना कि कितना टाइम निकलता है, कितने महीने नहीं निकलते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और वापसी में जो है ना हम लोगों ने पॉपाइज ले लिया था और आज का जो डिनर था वो हमारा पॉपाइज था, और पॉपाइज जो है ना ये हलाल था, आप लोग में पूछेंगे तो ये हलाल लोकेशन से हम लोगों ने लिया था। तो है, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।